यदि आप हमें फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक कर दीजिए, और यदि आप हमें यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। आज बीजेपी कार्यालय में जिला अध्यक्ष विनोद रतूड़ी के नेतृत्व में भाजपा कार्यकर्ताओं ने हाथों में काली पट्टी बांधकर 25 जून को कार्य दिवस के रूप में मनाया। जिलाध्यक्ष ने कहा कि आज के दिन पूर्ववर्ती सरकार की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाकर नेताओं को जेल में ठूसने का कार्य किया था, जिसमें पत्रकारों की आजादी भी छीन ली गई थी, जिसमें कांग्रेस को जनता से माफी मांगनी चाहिए। जून 1975 की रात को तत्कालीन जो प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी थे, उन्होंने देश में जो आपातकाल लगाया था तथा नागरिकों के सारे अधिकार समाप्त कर दिए थे, विपक्ष के नेताओं को जेल में डाल दिया था तथा मीडिया के लोगों की आज़ादी खत्म कर दी थी, उसके लिए आज भारतीय जनता पार्टी संपूर्ण देश के अंदर जो कांग्रेस ने उस समय कुकर्म किया है, उसके लिए आज जनपद टीवी भारतीय जनता पार्टी तथा पूरा प्रदेश तथा देश उसको काला दिवस के रूप में मना रहे हैं। और हम कांग्रेस को ये जता रहे हैं कि आप अपना अतीत को याद करो कि आपने इस देश के साथ किस प्रकार का छलाव किया है, इस देश की आज़ादी में जिन लोगों की प्रमुख भूमिका थी, और जब देश के अंदर इस प्रकार की स्थिति तुमने 1975 में जो हमारे स्वतंत्र संग्राम सेनानी थे और जो देश के प्रमुख नेताओं तथा संघ था, आपने उनको जेल में ठोस दिया था, इसलिए आज भारतीय जनता पार्टी इसको काला दिवस के रूप में मनाने जा रही है।